आम किसको पसंद नहीं होते, सभी लोगों को होते हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी शौक रखते हैं कि जब नए नए आम पेड़ में उगते हैं तो वहां पर जाकर तोड़ेंगे और नए नए पेड़ से तोड़े हुए आम को खाएंगे, उसमें बड़ा ही मजा आएगा। सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये चीज जरूर किए ही होंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी पता चलेगी, जो सुनने के बाद आप लोग किसी भी अनजाने बगीचे से, अनजाने पेड़ से आम तोड़ने से कतराने लगेंगे। तोड़ भी लिए हैं तो घर ले जाने से कतराने लगेंगे। दोस्तों, आज की ये घटना की सच्ची कहानी हमें मुस्तकवीन नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। ये घटना मुस्तकवीन के साथ नहीं, उसके दोस्त के साथ बीती, जिसका नाम है रूजी। दरअसल ये इसके बचपन का दोस्त है और मुस्तकवीन को उसका नेचर बहुत अच्छे से पता है। दरअसल कुछ साल पहले रूजी एक कंपनी में जॉब किया करता था। यहां पर जहां पर ये बिल्डिंग थी ना, जहां पर इसकी जॉब वाली बिल्डिंग थी, उसके थोड़े ही आगे एक बहुत बड़ा मैदान था। ये नॉर्मल मैदान नहीं, इसे लोग मुर्दा मैदान के नाम से जानते थे, क्योंकि आज से लगभग 75 से 80 साल पहले उस मैदान में लोग ना मुर्दों को फेंक दिया करते थे। दरअसल क्या था कि उस जमाने में उस गांव में एक महामारी फैली थी और लोग ये मानने लगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस महामारी में हुआ, लाशों को भी जगह नहीं मिल रही थी, तो उस समय लोग लाशों को हाथ लगाने से डरते थे कि ये महामारी कहीं हमें ना हो जाए। जैसे तो, अभी के केस में भी था कि लोग हाथ लगाने से डरते थे, तो इसी वजह से जैसे कुछ लोगों की मृत्यु होती थी, जो गरीब लोग होते थे जिनका कोई होता नहीं था, उनकी लाशों को इस मैदान में फेंक दिया जाता था और वो लाशें वहीं पर सड़ती रहती थी। फिर कभी कोई आ गया तो उनको ठिकाने लगा दिया गया, नहीं तो सड़ सड़ के वहीं पर डिकम्पोज हो गई। इसी वजह से आज उसे मुर्दा मैदान नाम से जाना जाता है। उसके थोड़े ही आगे रूजी का ऑफिस था, वहां पे वो काफी समय से काम कर रहा था, बचपन से बहुत मेहनती था, पंक्चुअल था, टाइम का टाइम पे जाता था, टाइम पे आता था। ये जो घटना घटी, अप्रैल के महीने में आम लगना शुरू हो जाते हैं, जो रूजी था उसको आम खाने का बड़ा शौक था। जब भी वो घर जाता था अपने ऑफिस से, घर वालों को, अपनी बहन को, अपने मम्मी पापा को ये बात बताया करता था कि जहां पर हमारी कंपनी है ना, उसके पास मैदान है, मुर्दा मैदान, और मुर्दा मैदान के बारे में सभी लोग जानते थे। ये बताता था कि मुर्दा मैदान में बड़े खूबसूरत से बड़े बड़े पेड़ लगे हुए आम के, वहां पर आम फलते हैं, जैसे ही वो पक जाएंगे ना, मैं उन्हें तोड़कर लेकर आऊंगा, सब लोग मिलकर खाएंगे, मजा आएगा, ऑर्गेनिक मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि बाजार से तो बिल्कुल नकली पकाए हुए मिलते हैं ना। हाँ, वो नकली जबरदस्ती कच्चे आम को पकाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। लेकिन रूजी के घर वाले हमेशा मना किया करते थे, बोलते थे कि नहीं, ऐसी जगह से आम मत तोड़ना, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो सकती है। वो बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप लोग बिना मतलब के टेंशन लेते हो, होता होता तो अब तक हो जाता ना, मैं तो उसी कंपनी में उसी जगह में कितने समय से आ रहा जा रहा हूँ, रात के समय में वहां से गुजरता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी चीज का सामना नहीं किया। अरे आम तोड़ दूंगा तो कौन से ऐसे भूत के ईगो को हर्ट हो जाएगा कि मेरे पेड़ से आम तोड़ लिया है। हाँ, उसको भी ऐसा लगता होगा, भूत का कौन सा पेड़ होगा भाई आम का। लेकिन घर वाले तो घर वाले ठहरे, अपने बच्चों की फिक्र रहती है। एक दिन क्या होता है, वो अपना जॉब वॉब कंप्लीट करता है, अप्रैल के एंड का टाइम रहा होगा, आम थोड़े पकते हुए नजर आए, बोला कि यार ये बड़े खूबसूरत से आम दिख रहे हैं, घर वालों को क्या बोलूंगा कि ये मार्केट से लेके आया हूं, इसे तोड़ लेता हूं। रात के बज रहे होंगे 7:45 के आसपास, अचानक से जैसे वो उस मैदान तक पहुंचा, एरिया की लाइट्स ऑफ हो गई, लाइट्स गोल हो गई। जो घटना ये बहुत बड़े शहर की नहीं है, छोटे गांव की, मतलब टाउन की है, वो लाइट्स ऑफ हो गई। उसने बोला, ये कैसा कोइंसिडेंस है, अरे चलो कोई नहीं, अपने पास मोबाइल का टॉर्च तो है, जलाते हैं उसे, तोड़ लेते हैं। रात के वक्त ही वो पेड़ से आम तोड़ लेता है। उसके पास एक थैली थी, समझ रहे आप लोग, बैग था, एक कैरी बैग जैसा, उसमें वो 10-15 आम तोड़कर डाल लेता है। बड़ा खुश था, 10-15 आम अभी तो महंगे ही चल रहे हैं और मुझे इस तरह से फ्री में मिल गए, और कुछ हुआ भी नहीं, और फ्री का माल सबको अच्छा ही लगता है, खुशी भी ज्यादा होती है, क्योंकि लोग बोलते थे कि इस आम को तोड़ोगे तो कुछ परेशानी हो जाएगी, और इसमें कुछ नहीं हुई थी तो खुशी दुगनी थी। ये अपनी साइकिल में उस थैली को, उस कैरी बैग को टांगा और चलाते चलाते आगे बढ़ने लगा। जब ये आगे बढ़ रहा था तो हवाएं चलने लगी और बारिश का मौसम बन गया। ये मौसम को चेंज होने में 10 मिनट से भी ज्यादा का टाइम नहीं लगा, 10 मिनट में ही ऐसा लगने लगा कि अब जोरों की बारिश पड़ने वाली है, हल्की हल्की बिजली चमक रही है।
ये साइकिल चला रहा है चला रहा है चला रहा है, हवा इतनी तेज हो गई कि इसको ऐसा लगने लगा कि अब इसकी साइकिल चलाने को ना हवा रोक रही, मतलब साइकिल से बंद जाते, ज्यादा हवा चलते साइकिल आगे बढ़ती नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बढ़ती है। इसने सोचा चलो उतर के थोड़ा चल ले, तो उतरा और अब बढ़ने लगा, लेकिन अभी भी साइकिल थोड़ी टाइट सी चल रही थी। उसको समझ में नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि साइकिल में कोई बैठा हो, नहीं कोई नहीं था, ये तो पैदल घसीटते हुए लेके जा रहा था। अब हवाएं चलना थोड़ी कम हुई, बिजली ज्यादा चमकने लगी क्योंकि अब बारिश अच्छे से गिरने वाली थी। इसने सोचा कि अब घर जल्दी पहुंचना पड़ेगा। अभी भी इसका घर यहां से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर था। ये साइकिल में सवार हुआ और चलाना शुरू किया, थोड़ा सा ही चलाया है लेकिन अब साइकिल इतनी बुरी तरह से जाम हो गई जैसे कि मानो साइकिल के पीछे कोई 150 किलो का आदमी बैठा हो। ये कद काठी में नॉर्मल था, यही कोई 5 फीट 8 इंच के आसपास की हाइट रही होगी, दुबला पतला शरीर, तो इसे चलाने में बड़े मुश्किल हो रहा था। बोला कि ये कैसे हो रहा है यार, इसी साइकिल से तो मैं आना जाना करता हूँ। थोड़ी आगे जाने के बाद साइकिल पूरी जाम, एक कदम टस से मस नहीं हो रही। इसने बोला उतर कर देखता हूँ भाई चेन में कोई परेशानी तो नहीं है साइकिल या पंचर तो नहीं हो गया। उतरता है, स्टैंड लगाता है और देखना शुरू करता है, देखता है कि सब कुछ ठीक है। वापस से उठता है, मोबाइल का टॉर्च बंद करता है और पाता है कि सामने दो आदमी खड़े, लंबे चौड़े और अजीब से कपड़े पहने हुए, ऐसे कपड़े जो कि बहुत बहुत पुराने जमाने में लोग पहना करते थे। इसने बोला कि ऐसे कौन लोग आ गए यार, मैंने इसे कभी अपने ऑफिस के आसपास नहीं देखा। वो ऐसा कहते हैं कि यार तुम हमारे पेड़ से आम तोड़कर लेके जा रहे हो, हमें भी तो खिलाओ। ये जो आवाज थी बड़ी डरावनी थी। ये बोलता है कि ये आपका पेड़ कैसे हो सकता है, ये पेड़ तो काफी समय से ऐसे लावारिश जैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट का हो गया शायद। हाँ मतलब किसी का भी पेड़ नहीं, होते हैं ना लावारिश पेड़, जैसा कोई मालिक नहीं होता, कभी लग गया होगा अपने आप वहाँ पे पेड़, तो लोग सब तोड़ ताड़ के खाते हैं, जैसे रोड के किनारे किनारे भी होते जहाँ सब लोग तोड़ ताड़ खाते हैं कुछ भी। उसने बोला तुम्हारी गलत फहमी है, वो तो हम खाएंगे, ऐसा बोल के जोर जोर से हंसने लगा। अब उस थैली में ना आम तो रखे हुए थे, वो लटकी हुई थी उसके हैंडल में, अचानक से वो कैसा करता है, मतलब ऐसी आंख बंद करते हैं, ऐसा करते हैं दोनों आदमी और बोलते हैं बड़े ही स्वादिष्ट आम थे। बोलता है कि पागल वागल हो क्या, क्या बोल रहे हो, आम तो इधर रखे हुए हैं, तुम तो खाली बात ही कर रहे थे अभी एक सेकंड में, बड़े स्वादिष्ट आम थे कैसे बोल रहे हो। बोले हमने तो खा लिए और करके हंसने लगे। बोले ये पागल है, ऐसे करके ना अपनी साइकिल आगे बढ़ाते हैं और साइकिल बढ़ जाती है, पैदल लेके आगे बढ़ने लगता है और ऐसा होता है ना कि क्या बोल रहे थे यार आम तो रखे हुए, ऐसा पॉलिथीन को ऐसा करके देखता है, आम थे नहीं, सिर्फ बची हुई थी गुठलियां। मतलब वो लोगों ने आम खा भी लिए और इसको पता भी नहीं चला। जैसे इसने ऐसा देखा कि उसमें गुठलियां हैं, बेहोश हो गया, पसीने छूट गए, शरीर ठंडा पड़ गया, हार्टबीट मानो इतनी तेज हो गई कि दिल निकल कर मुंह में आ जाएगा और ये बेहोश होकर जमीन में गिर गया। क्योंकि सोचो ना, आप इमेजिन करो, आपने अभी अपने कैरी बैग में बहुत सारे आम रखे, आप कहीं से गुजर रहे हैं, रास्ते में कोई मिला आपसे, पूछा कि आम हमारे पेड़ से तोड़ के क्यों लेके जा रहे हो, हमको भी दो, और आपने उतनी देर में बोले कि यार मैं नहीं दे सकता, सामने वाला बोलता बड़े स्वादिष्ट थे, आपने देखे तो उस आम बचे ही नहीं, गुठलियां बची है, तो मतलब सिर्फ बात बात में ही आम किसी ने खा गया, हवा ने खा गई, आसमान ने निकल गया, जमीन ने गायब कर दी, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आखिर वो दो लोग थे कौन जो आम खा भी लिए और उसको पता भी नहीं चला, बेहोश हो गया। अब वापस से इसकी आंख, जब तक आधे घंटे बीत चुके थे और जो आंख खुली ना, ये बारिश की वजह से खुली। अच्छा। बारिश की बूंदें जैसे उसके चेहरे पर गिरी, उसकी आंख खुली। अब आंख खुली तो आधे घंटे बीत गए थे ना, तुरंत इसने मोबाइल में देखा, आधे घंटे बाद भी उसने अपनी नजर घुमाया तो वो लोग वहीं पे खड़े हुए थे दोनों, और इसकी तरफ घूरे जा रहे थे बड़ी बड़ी आंखों से। जैसे ही हल्का सा हिला उठने को हुआ कि वो लोगों ने अपनी कदमों की छाल इसके तरफ कर दी, जैसे कि इसके तरफ बढ़ने लगे। वो उठा, साइकिल वाइकल छोड़ा और इतनी तेज दौड़ के भागा है, नॉन स्टॉप भागा ही भागा। घर जैसी आया, दरवाजा जैसी खुला घर का ना, तुरंत एंटर करते से बेहोश, क्योंकि थी ही घटना इतनी अजीबोगरीब। मतलब कोई ऐसे इंसान है जो इस दुनिया के है भी नहीं, वो आपके सामने आके ऐसे खड़े हो जाए तो समझ लो हालत कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। अगर वो नहीं भागा होता तो शायद वो बचता भी नहीं, वो दोनों उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। ये बेहोश हो गया। अब जब इसकी वापस से आंखें खुली, ये रात का वक्त नहीं था, ये दिन का वक्त था, दिन के तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा था, ऑफिस छूट चुका था, आजू बाजू दो तांत्रिक बैठे हुए थे
और कुछ पूजा वूजा जैसी होती है ना सामग्री, तांत्रिक वगैरह जो भी करते हैं अपना अनुष्ठान, वैसा कुछ दिख रहा था माहौल। इसने अपनी नजरें उठाकर तांत्रिकों की शक्ल में देखा। तांत्रिकों की शक्ल हूबहू वो दोनों लोगों से ही मिल रही थी जो रात में उसे आम के टाइम पे मिले थे। इसके पैरों तले जमीन निकल गई। इसे समझ में नहीं आया कि क्या रिएक्ट करूं क्या नहीं। ये ब्लैंक रहा, शांत रहा, शरीर पूरा ठंडा रहा इसका। ये झाड़फूक जो भी थी खत्म हुई और ऐसी कोई परेशानी उसके सामने नहीं। आने वाले 2 दिन तक ही अपने ऑफिस नहीं गया, लेकिन तीसरे दिन से जाने लगा। घर वालों को भी सारी बात पता चल गई, लेकिन एक बात जो है जो ना आज तक इसको पता चली, ना ही इसके घर वालों को, ना ही मुस्तकवीन को जिसने कहानी लिख के भेजा, और वो बात ये है कि जो उस रात कोई से लोग मिले थे वो दोनों इंसान ही थे जिनका वो पेड़ था, या फिर कोई एक ऐसी शक्ति जिसे उस पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव है और सचमुच में जो कोई भी इंसान उस पेड़ के आम तोड़कर खाने की कोशिश करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। हिंसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। और इसी तरह के हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी आप लोगों के पास है तो लिंक भेजिए, हो सकता है हमारी अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।